नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक कथा सुनने का दिन है। वेदांत सर अपनी गति में आगे बढ़ रहा है और बड़ा ही सुभग संयोग है कि एक तरफ ये कुछ कथाएं आती हैं और एक तरफ वेदांत सार चल रहा है। बड़ा ही आनंद आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि आपको इससे क्या अनुभूति होती है, लेकिन जैसा तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इसी प्रकार से मुझे भी ये एहसास होता है कि ये कार्य जब मैं करता हूं तो मुझे एक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब चूंकि आप हमसे जुड़ गए हैं तो हमारे आनंद में आपका आनंद भी शामिल हो जाता है, तो ये आनंद कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी भक्ति की चर्चा हम कर रहे थे, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो भगवान के कथा प्रसंग में रति रखने वाली, अब ये तो मैंने आपसे कहा था कि पूरा भक्तमाल भरा पड़ा है, इस पे तो जितनी कथाएं आपको सुनाऊं वो कम पड़ जाए, इसलिए इसको यहीं छोड़ के और हम तीसरी भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इसकी तुल्य और कोई भक्ति नहीं है, इसलिए कहा अमान। क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। अब भैया, गुरु की सेवा को लेकर के या गुरु को लेकर के तो जो भी आपसे कहूं वो कम है, क्योंकि इतनी स्तुतियां हैं, इतने श्लोक हैं, इतनी कथाएं हैं, इतना कुछ है कि समय और सारी मर्यादाएं टूट जाएं तभी इसका वर्णन संभव है। आज हम गुरु के संदर्भ में कुछ भी अधिक नहीं बोल के सिर्फ दो श्लोक और उसके भावार्थ को देख के आगे बढ़ेंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत स्पष्ट है अर्थ, इसलिए ज्यादा कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। और वेदांत सार चल रहा है तब तो यही सब बातें हैं कि जिसने उस अखिल ब्रह्मांड के नायक का परिचय करवा दिया, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे कबीरदास जी ने भी कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहां पीछे रह जाते हैं, वो तो अपने रामचरितमानस की शुरुआत ही करते हैं, बंदों गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जितना कहें उतना कम है। अब ऐसे गुरुओं की भक्ति को यहां भगवान ने अपनी तीसरी भक्ति बताया है कि गुरुपद पंकज सेवा, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह कार्य किया है और आज जितनी भी सफलताएं मेरे पास हैं, क्योंकि मैं कितना सफल हूं ये अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति मैं हूं। क्योंकि अपने जीवन में मैंने जब जहां जैसे जो चाहा
तब वहां वैसे वो मुझे मिल गया। चूंकि इससे अधिक कभी कुछ चाहा ही नहीं था, तो जब हमने कभी कुछ चाहा ही नहीं तो हमें भगवान देगा भी क्यों? तो जितना चाहा, अगर उतना सब कुछ मिल गया हो तो आपसे अधिक सफल कौन हो सकता है। लेकिन मेरी उस सफलता का एकमात्र कारण, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। बचपन से जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था तब मैं गुरुकुल चला गया था नैमिषारण्य। वहां हमारे गुरु बाबा थे, उनकी सेवा किया करता था। वहां से आकर मथुरा रहने का नंबर आया। वहां हमारे गुरुजी, जिनकी बात मैं कई बार अपने वीडियो में करता हूं, रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी थे, राधा राधा श्री श्याम सुंदर, मथुरा में आज भी उनका नाम है, उनकी सेवा करने का मौका मिला। लेकिन मैंने कभी भी इन गुरुओं की सेवा करते हुए ये नहीं माना कि मैं उनके यहां काम कर रहा हूं। मैंने हमेशा अपने कर्म को सेवा माना। परिणाम, आत्मिक आनंद की प्राप्ति तब भी होती थी, तब भी एक उत्साह और आनंद रहता था, और उसका परिणाम भी जो चाहा जीवन में वो सब कुछ मुझे मिला है। तो मुझसे अधिक तो इसके बारे में कौन जान सकता है। गुरुपद पंकज सेवा। और तब जो कथाएं हमें प्रेरणा दिया करती थी, आज इस भक्ति के प्रसंग में ऐसी ही कुछ कथाएं आपको सुनाता हूं। चलिए, पहली कथा जो है वो भक्त आरुणी ही इसके हकदार हैं, उनकी कथा सुननी बनती है। वैसे ये कथा मैं महाभारत के प्रारंभ के वीडियो में सुना चुका हूं, इसलिए इसका रिपीटेशन हो रहा है, फिर भी ये कथा तो सुनानी बनती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु हुए हैं और उनका नाम था अयोध्यौम्य। मैं कहा महाभारत में ही कथा में सुना चुका हूं। तो अयोध्यौम्य नाम के जो गुरु थे, बड़े ही कड़क मिजाज, मतलब उनके आश्रम में वही शिष्य रुक सकता है, वही उनका विद्यार्थी बन सकता है जो सोना है, और जो उनके पास रहा वो कुंदन बन गया। गुरु तो बहुत होते हैं, कुछ अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनते हैं, कुछ वास्तव में अपने शिष्यों के कल्याण के लिए गुरु बनते हैं, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो बाहर से नारियल जैसे हो। आपको उनका स्पर्श, उनकी बातें, उनका व्यवहार सब कुछ कठोर लगेगा, लेकिन अंदर से वो बड़े ही मृदु होते हैं। ऐसे ही गुरु थे अयोध्यौम्य। इनके दो शिष्यों की कथाएं मैं आपको एक आज सुनाऊंगा, एक कल सुनाऊंगा। आरुणि नाम का इनका शिष्य, अब ये गुरु जी ऐसे कि कभी भी, पहले शिक्षा की आज की तरह पद्धति तो थी नहीं, भाई क्लासरूम में बैठो, A4 एप्पल पढ़ो, 1 2 3 पढ़ो, पहली कक्षा पूरी हो गई, दूसरे में आ गए, दूसरी की परीक्षा दे दी, तीसरे में आ गए, ये सारी पद्धतियां तो थी नहीं। गुरुकुल में गुरु के पास शिष्य पहुंचता था और गुरु अपने जीवन के सारे कार्य करते करते वेद पाठ करवाया करता था, बाकी सारी शिक्षाएं। आजकल जिस पे नरेंद्र मोदी जी जोर दे रहे हैं ना, स्किल डेवलपमेंट, वही मिलता था। पुस्तकीय ज्ञान वहां नहीं था, वहां आपको प्रैक्टिकल ही सिखाया जाता था, और प्रैक्टिकल व्यक्ति तभी सीखता है जब उसको स्वयं को प्रैक्टिकल करवाया जाए। तो गुरुजी अपने शिष्यों के पास घिस के काम लेते थे, जो काम है वो उनको सौंपना है और उनके पास करवाना है। एक दिन की बात, बड़ी जोरदार बारिश शुरू हुई। गुरुजी ने आरुणी से कहा, बेटा आरुणी, बरसात बहुत तेज हो रही है, इस बारिश में अपने खेत की मिट्टी धुल के अगर बाहर चली गई
तो खेत की जो ऊपर की सतह होती है वही उपजाऊ होती है, और अगर वही मिट्टी धुल के चली गई तो पूरा खेत हमारा बेकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगली साल जो हमारी गायों के लिए चारा है, गौशाला के लिए जो हम लोगों के लिए चाहिए, वो हमारी जरूरत की चीजें पूरी नहीं होंगी। अब देखिए इसमें शिक्षा भी आ गई और आज्ञा भी हो गई। जाइए, आपका कार्य है कि अगर किसी जगह पे खेत की मेड़ कटी हो या कट रही हो जारा पानी के दबाव के कारण, तो उसको बंद कर दो जाके। खेत का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, खेत का पानी खेत में ही सूखना चाहिए। बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही थी, गुरु की आज्ञा हुई, गुरुर आज्ञा अविचारणीय, उस पर विचार नहीं करना होता है। आरुणी निकल पड़े, कंधे पे रखा फावड़ा, खेत में जाकर के पहुंच गए। उन्होंने देखा, चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया, अरे रे रे, एक जगह की मेड़ जो है वो कट चुकी थी। गुरु की बात बिल्कुल सच निकली थी, गुरु जी ने जो कहा था कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा, जाओ। अरे बड़ा समय पे गुरु जी ने भेजा, एक विश्वास हुआ कि गुरु जी तो त्रिकालज्ञ लगते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ करता था, कोई काम होता था ना तो गुरु जी कहते थे वहां जाओगे इस काम को ऐसे करोगे हो जाएगा जाके, और वो काम वैसे होता था, तब ये लगता था कि इन्हें पहले से सब कुछ कैसे पता रहता है, उनका अनुभव होता है, उनकी चीजें होती हैं, और हमारे बचपन में ऐसी बातें हमें स्वाभाविक रूप से प्रभावित करती हैं। आरुणी पावड़े से मिट्टी उठा करके वहां डालता है, और जब तक दूसरा पावड़ा भर के मिट्टी डालने की कोशिश करता तब तक पहली मिट्टी धुल जाती है। काफी देर तक उसने प्रयत्न किया, फिर उसको लगा कि भाई ये तो मैं जितनी मिट्टी डाल रहा हूं वो मिट्टी तो जा ही रही है, और धीरे धीरे ये तो इसका प्रवाह जो है उस जगह को और चौड़ा करता जा रहा है, यानी मेरा प्रयत्न तो निष्फल है ही, ऊपर से ये जो स्थिति है ये बिगड़ती जा रही है। इधर उधर कुछ ढूंढने का प्रयत्न किया, बारिश चल रही है, तीव्र बारिश के बीच में कुछ भी समझ में नहीं आया कि इस पानी को कैसे रोका जाए। अंत में जब व्यक्ति कुछ करने का निर्णय करता है ना, तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से काम करने लग जाती है। ऐसे में आरुणी जो हैं, एक विचार पे पहुंचते हैं कि इस मैण की जगह पे अगर मैं लेट जाऊं तो इस पानी को मैं बंद कर सकता हूं। फिर क्या था, एक क्षण का भी विलंब किए बगैर बरसते बारिश के पानी में और उस खेत की मेड़ की जगह पे स्वयं आरुणी लेट जाते हैं, इस प्रकार से अपने शरीर को वहां उस मेड़ के साथ सटा देते हैं कि खेत का पानी बाहर नहीं जा सकता है। प्रातःकाल की बात थी, गुरुजी ने प्रातःकाल ये आज्ञा दी थी, आरुणी गए थे, दोपहर का भोजन हो गया, आरुणी तो आए नहीं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। संध्या काल का समय हुआ, संध्या वंदन होना है, गुरुजी ने कहा कि भाई सब शिष्य हैं, आरुणी कहां है? तो एक शिष्य ने कहा आपने ही तो उसको खेत पे भेजा था। अरे भाई मैंने तो सुबह भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। शिष्य क्या कहें, आपने आज्ञा देके भेजा था ना, लेकिन ऐसे टाइम पे गुरु बाकी के शिष्यों को भी बड़ा डांटते डपटते, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया इसलिए मैं आपसे कह पा रहा हूं, तुम लोगों को अपने मित्र की पड़ी नहीं है, अरे तुम लोगों को मुझे बताना तो चाहिए था। एक तरफ गुरु जी का अंदर का वो स्नेह जो है कि अभी तक आरुणी वापस नहीं आया, और दूसरी तरफ जल्दी से अंधेरा होना शुरू हो गया था, प्रकाश की व्यवस्था की, लालटेन जैसा साधन लिया और दो चार शिष्यों को लेकर के आरुणी को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अब ढूंढने कहीं जाना तो था नहीं, क्योंकि कहा ही था कि खेत पे जाना तो खेत पे ही होगा। अब वहां जाकर के आवाज देते हैं, क्योंकि कहीं आरुणी ना तो खड़ा दिखाई दे रहा ना बैठा दिखाई दे रहा है, आरुणी कहां हो? पूरा दिन हो गया, पानी में भीगे भीगे आरुणी के दांत जो है ना कट 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 होने लगते हैं, क्योंकि
सुबह से बारिश हो रही थी और बरसात के पानी में भीगते हुए आश्रम से आए थे और तब से इस पानी में ही लेटा हुआ अरुणी। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है उसको अत्यधिक ठंडी लग रही है। गुरुजी की आवाज सुनी तो उसने आवाज दी, गुरुजी जैसे तैसे कपकपाती आवाज में मैं यहां हूं। शिष्यों को लेकर के गुरुजी वहां पहुंचे जा करके तो हल्के से अंधेरे में क्या देखते हैं, मैण की जगह पर अरुणी लेटा हुआ है। अरे ये क्या कर रहा है बेटा? तो गुरुजी आपने ही तो आज्ञा की थी कि खेत का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने बड़ा प्रयत्न किया लेकिन जब मैं इसको नहीं रोक पाया तो फिर मुझे कोई अन्य उपाय ना दिखने के कारण आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वयं यहां लेट गया और इसीलिए मैं दोपहर को नहीं आ पाया और संध्या के समय भी मैं नहीं पहुंचा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। संध्या के समय सबको हाजिरी देनी होती है, सबकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, ये मुझे भी अच्छी तरीके से याद है। संध्या के समय नैमिषारण्य गुरुकुल में हम सब लोग हाजिरी देते थे, आज कितनी संख्या ये उसी समय निर्धारित होता था। तो अरुणी क्षमा याचना करता है, गुरु कहता उठ जा बेटा, गुरुदेव सारा पानी निकल जाएगा। अरे भाई, यहां गुरु का जो वो नारियल के अंदर वाला भाग है वो अरुणी को देखने को मिलता है। आज तक तो अरुणी ने गुरु को नारियल के ऊपर के हिस्से की तरह देखा था, गुरुदेव ने उठा करके अरुणी को अपनी छाती से लगा लिया है और छाती से लगा के उसको आशीर्वाद दिया, जा बेटा। जब मैं ये आशीर्वाद की बात कर रहा हूं ना, अनेक बार ऐसे आशीर्वाद मैंने प्राप्त किए, अनेक बार मेरे सिर पे हाथ रख के गुरुजी ने ये कहा है या जिन जिन गुरु के पास रहा हूं उन्होंने ये कहा है कि जाओ, तुम्हारी हर इच्छा हर सिद्धि पूरी हो। ये जो बात मुझे प्राप्त हुई है आज जब ये कथा आपको सुना रहा हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया था ऐसे ही अरुणी को यह आशीर्वाद मिला है। और धौम्य ऋषि ने, अयोध धौम्य ने यह कहा है कि बेटा तुम्हें समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो जाएगी। क्या चाहिए? आप एक चीज समझिए, विद्या क्या है? कर्ण की भी कथा सुनाऊंगा, विद्या उसने भी प्राप्त की लेकिन गुरु के साथ छल करके, कपट करके, इसलिए वो विद्या निष्फल हो गई। और जब गुरु के सम्मान के साथ, गुरु के आदर के साथ, गुरु की आज्ञा के साथ, गुरु की इच्छा से विद्या प्राप्त की जाती है तब परिणाम ऐसे आते हैं। यही अरुणी जो बालक है ये उद्दालक ऋषि के नाम से जाना गया, गुरु के आशीर्वाद से ये उद्दालक ऋषि हुए। आप वेदांत सार में जब तत्वमसी की चर्चा कर रहे थे तो आपको ये कथा थोड़ी सी मैंने स्पर्श करके सुनाई थी कि यही औद्दालक ऋषि जो हैं वो अपने पुत्र श्वेत केतु को ये तत्वमसी वाक्य की शिक्षा देते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में इनकी कथा आती है। ये इतने ब्रह्मनिष्ठ, गुरु के आशीर्वाद से ऐसे श्रेष्ठ गुरु हुए कि जिन्होंने स्वयं अनेक प्रकार के ब्रह्म ज्ञान की प्रस्तुति की है। तो भैया, गुरु की भक्ति करने से व्यक्ति का सब कुछ सुधर जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अपने जीवन में जिन जिन लोगों ने गुरु की भक्ति की होगी, आप उनसे पूछोगे, आप उनके अनुभव उनसे जानना चाहोगे, तो वो अपने अनुभव से आपको इस बात को बता पाएंगे कि वो क्या से क्या हो गए। गुरु की भक्ति करना, गुरु की सेवा करना, ये भगवान राम ने सबरी से कहा है कि मेरी तीसरे प्रकार की भक्ति, क्योंकि शबरी भी अपने गुरु की सेवा करने के कारण ही, अपने गुरु के वरदान के कारण ही प्रभु राम से मिल पाई है। धन्यवाद।
मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।